हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉल्व कर रहे हैं आईएसएस 2023 का पेपर और मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1.A का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले में यहाँ पर दिया हुआ है, कंपनी का एक स्ट्रक्चर दिया है, प्रोड्यूसेस दो टाइप्स ऑफ सॉस बनाता है ए और बी, दोनों में एक्स और वाई दो इंग्रेडिएंट लगते हैं, अ सर्टेन लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज परमिटेड, के किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इंडीड ए नंबर वन में है, contains B must have no more than 75% of X, A must have no more than less than 25% of X and no less than 50% of Y. So up to 400 kg of X and 300 kg of Y is purchased. The company can also sell such this thing in these two structures. So हमें LP model बनाना है, linear programming model बनाना है। बहुत ही ज़्यादा आसान question है, ठीक है। तो मान लेते हैं X equal to ingredient of X, एकदम आसान तरीके से करेंगे, y इक्वल टू इंग्रेडिएंट ऑफ y लग गया अपना, z इक्वल टू अच्छा x इक्वल टू ले लेते हैं स्मॉल x इक्वल टू इंग्रेडिएंट x यूज टू प्रोड्यूस सॉस a, ठीक है, इंग्रेडिएंट ऑफ y यूज टू प्रोड्यूस सॉस a एंड z इक्वल टू इंग्रेडिएंट ऑफ x यूज टू प्रोड्यूस सॉस नंबर b। सो नाउ यू कैन सेट अप द फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, मैक्स होगा, रेवेन्यू 18 ए प्लस 17 बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट दैट इज एक्स प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 400, फिर हो गया वाई लेस देन इक्वल टू 300 दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड से प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट से आया तो 0.25 एक्स लेस देन इक्वल टू ए, 0.5 वाई लेस देन इक्वल टू ए और जेड लेस देन इक्वल टू 0.75 बी, ठीक है। तो नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट के हिसाब से सारे पॉजिटिव है, सो लीनियर प्रोग्रामिंग यही हो गया, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू 1, 2, 3, 4 और 5, यही है मॉडल फॉर्मेशन एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन।